हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवभारती स्टडी सर्किल। प्रीवियस वीडियो में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी लॉस, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, पहले वाले डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है। तो जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली। एक तो कॉमन पोटेंशियल निकाला था हमने, एक हमने रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का रेशियो निकाला था, तीसरा हमने निकाला था कि जो चेंज आया पोटेंशियल में, उन चेंजेस का रेशियो क्या होगा, यानी डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू हमारे पास आया था सी टू अपॉन सी वन। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी लॉस की। तो एनर्जी जो लॉस है, एनर्जी का लॉस कैसे होगा जब हम बात करेंगे उन्हीं दो कंडक्टर्स की जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिए थे। यानी फर्स्ट हमने कंडीशन रखी थी, बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमने दो कंडक्टर्स लिए थे, ए एंड बी। वो आप डायग्राम्स के थ्रू प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो सारा का सारा। जस्ट हम बात करने वाले हैं कि एनर्जी लॉस क्या होगा। देखिए, जब दो कंडक्टर्स हम आइसोलेट रखते हैं और उन पर क्या है, पहले से ही वो चार्ज कंडक्टर है, यानी दोनों पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों पर चार्जेस कैसा है, अलग अलग है। फर्स्ट पे हमने मान लिया चार्ज ज़्यादा है सेकंड वाले से, यानी पोटेंशियल इसके ऊपर ज़्यादा होगा सेकंड वाले से, वी वन ग्रेटर देन वी टू। अब अगर हम उसको एक वायर से कनेक्ट कर दें तो आफ्टर द कनेक्शन क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब चार्जेस दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होंगे। चार्जेस का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो वी वन हाई पोटेंशियल है अभी हमने अज्यूम किया है, और V2 क्या है, लो पोटेंशियल है। तो चार्जेस का फ्लो इस तरफ वाले कंडक्टर से इस तरफ वाले कंडक्टर की तरफ होना स्टार्ट होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से तो वो जो चार्ज है वो निकल रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। अब पहले ही क्या है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब और चार्जेस जो कि पॉजिटिव है वो इस वाले कंडक्टर पर आएंगे, यानी हमें वर्क डन क्या करना होगा, जो वर्क हम कर रहे हैं वो क्या है कि यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है और इस तरफ आता है। वही पॉजिटिव चार्ज जो इस पर थे, वही पॉजिटिव चार्ज और आ रहे हैं इसके ऊपर। वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अभी इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है दोनों कंडक्टर्स को। तो जब तक दोनों पर पोटेंशियल जो पहले अलग अलग था, अब आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जब तक पोटेंशियल दोनों पर सेम नहीं हो जाता, तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा। यानी अब हम अगर बात करें कि चार्ज जो है, जैसे ही सेकेंड वाले कंडक्टर पर आते हैं फर्स्ट वाले कंडक्टर से, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स होगा। सेम चार्जेस हैं तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज का फ्लो हो रहा है जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, दोनों पर सेम नहीं हो जाए। यानी जो वर्क डन है वो अगेंस्ट है किसके, जो कंडीशन हमारे पास है अभी, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों चार्ज सेम होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। इस वर्क डन की वजह से जो सेकंड कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिक्रीज कब हुई, जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। यानी पहले इसकी जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको अगर हम लिख लें यू, और सेकंड एनर्जी है हमारे पास यू डैश, तो दोनों में से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी। मैंने आपको बताया कि चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज और हम उसको दे रहे हैं, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है U, वो क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो हमारे पास एनर्जी आती है U डैश उससे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया। वही एनर्जी लॉस हमें यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करके पता करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमारे पास एनर्जी का कितना फॉर्मूला आता है, और आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलता है। दोनों को हम माइनस कर लेंगे, हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले यू। अब देखिए, हमने एनर्जीज के कितने फॉर्मूलाज पढ़े थे, तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे।
u इक्वल्स टू 1 अपॉन टू सी वी स्क्वायर भी होता है, u इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2 सी भी होता है, एंड u इक्वल्स टू q v अपॉन 2 भी होता है। तो हम कोई भी इक्वेशन लेके यहाँ पर एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे u, जो कि बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एनर्जी का फॉर्मूला है। अभी हम बात कर रहे हैं दो कंडक्टर्स की, दोनों पर C1 एंड C2 कैपेसिटेंस है, तो हमें कितनी टर्म्स लेनी है यहाँ पर। दोनों कंडक्टर्स के लिए दो टर्म्स हमें यूज में लानी है, जो कि एनर्जी की टर्म्स है। तो U जो है वो दोनों की एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्लस होती है, ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में समझ ली थी। तो अगर हम बात करें, फॉर्मूला ले लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं, 1/2 CV स्क्वायर, ये फर्स्ट कंडक्टर के लिए टर्म है, सेकेंड कंडक्टर के लिए 1/2 CV स्क्वायर। अब देखने वाली बात क्या है कि दोनों कंडक्टर्स की जो कैपेसिटेंस है वो C1 C2 है, ये हमने लिख लिया, लेकिन जो पोटेंशियल है बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या था, दोनों पर अलग अलग था, लेकिन आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, सेम हो गया। अभी हम जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो पहले की कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों पर पोटेंशियल जो अलग अलग था वो हमने लिख लिया है V1 एंड V2। तो दोनों की जो एनर्जी होगी वो दोनों की एनर्जी हमने प्लस कर ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल, दोनों की जो एनर्जी है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटर्स हमने लिए हैं या फिर कंडक्टर लिए हैं, उनकी सम होके टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। तो यू, ये बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एनर्जी निकाल ली हमने, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकेंड हम बात करेंगे यू डैश एनर्जी के लिए, दोनों के लिए हम लिख लेते हैं 1/2 CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर। अब हम बात करेंगे जो कैपेसिटेंस है वो C1 एंड C2 है, लेकिन आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पोटेंशियल कैसा हो जाता है, दोनों पर सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट जब होंगे चार्जेस तो चार्जेस का फ्लो होगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम नहीं हो जाए। तो अब हम आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल होगा सेम। हम अभी V1 V2 नहीं लिखेंगे, वो हमने किस में करी थी बात, पहले वाली कंडीशन में। तो दोनों में जो पोटेंशियल होगा वो V आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, अब हम पोटेंशियल का जो ये स्क्वायर है उसको कॉमन ले सकते हैं। हमने 1/2 एंड जो वी स्क्वायर है वो हमने कॉमन ले लिया है, और C1 प्लस C2 टर्म हमारे पास आ गई है। देखिए यहाँ पर जो V है वो क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इसका फॉर्मूला है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, U डैश इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2। वी स्क्वायर है तो हमने इसको लिख लिया है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल है, हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे। अब देखो C1 प्लस C2 ये जो टर्म है इसका भी स्क्वायर है, एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास U डैश का जो फॉर्मूला बचता है वो कितना आता है, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। इस तरह से देखिए, फर्स्ट हमने एनर्जी निकाल ली है, सेकेंड एनर्जी निकाल ली है। अब दोनों एनर्जी में से कम एनर्जी कौन सी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो गई थी, कौन सी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में। क्यों? चार्जेस का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, यानी एनर्जी लॉस जो निकलेगा वो यू माइनस यू डैश निकलेगा। हमने दोनों इक्वेशन लिख ली है, अब बस इसको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल के एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं कि एनर्जी लॉस क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू यू माइनस यू डैश। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, यू का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कितना था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और फिर हम माइनस करेंगे यू डैश का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला था हमारे पास 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2।
अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से पहले दोनों में क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं साथ साथ। हमने 1/2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, 1/2, 1/2, 1/2 तीनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया है और ये हमारे पास u है। और यहाँ हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास c1 + c2 यहाँ रहेगा और इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे c1 + c2 का। तो देखिए क्या फॉर्मूला आता है, c1 v1² + c2 v2² इसको हमने मल्टीप्लाई किया है c1 + c2 से। यहाँ हमारे पास माइनस है एंड फॉर्मूला है c1 v1 + c2 v2 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, c1 + c2 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा यू इक्वल्स टू 1/2, देखिए c1 का मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, तो c1² v1² + c1 c2 v2² प्लस c2 का इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c1 c2 v1² + c2² v2² ये हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन हो चुका है। माइनस करेंगे, देखो बाहर माइनस है तो अंदर के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला हमें लिखना है। तो यहाँ पर a² यानी फर्स्ट टर्म हमारी c1² v1² माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। प्लस क्या आता है हमारे पास, b² तो c2² v2² करेंगे, माइनस आ जाएगा, फॉर्मूले में हमारे पास प्लस था इसलिए। फिर प्लस 2ab होता है लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, 2ab यानी हमें क्या लिखना है, 2c1 c2 v1 v2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला ओपन हो गया है। डिवाइड कर देंगे c1 + c2 से, ये हमारे पास हमने एलसीएम लिया था। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सी जो वैल्यूज है इसमें कैंसिल हो रही है। देखो यहाँ पर c1² v1² प्लस में है, यहाँ पर -c1² v1² है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ से हो गई कैंसिल। सेकंड हम बात करते हैं c2² v2² प्लस में है, ये माइनस जो है वो कैंसिल हो गया है। अब देखिए जो टर्म्स बचती है उसको हम लिख लेते हैं। डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2, यहाँ हमारे पास c1 c2, देखो एक चीज़ और, इन तीनों टर्म्स में क्या हो रहा है, c1 c2 c1 c2 एंड c1 c2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। हमने इसको कॉमन ले लिया c1 c2। अब हमारे पास v2² है, यहाँ हमारे पास v1² है एंड -v1 v2 बच रहा है, तो v1² + v2² - 2v1 v2 / c1 + c2 ये टर्म हमारे पास बच रही है। देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये a² + b² - 2ab ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, यानी यहाँ पर v1 - v2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, 1/2 एंड c1 c2 हमारे पास कॉमन है, यहाँ हम लिख लेंगे v1 - v2 का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास c1 + c2 आ रहा है। तो ये हमारे पास देखो एनर्जी लॉस निकल गया। हमें सिंपली ये समझना है कि बिफोर द रिडिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड कंडीशन में चेंज हो जाएगी जब हम चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो यू में से हम माइनस कर देंगे u', दोनों हम टर्म्स लिख लेंगे दोनों कंडक्टर्स के लिए, तो u - u' करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी लॉस का वो कितना होगा, 1/2 c1 c2 v1 - v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 + c2 ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। अभी हम एक कंडीशन और देख लेते हैं। देखो इसमें हमने एनर्जी लॉस पढ़ा, तो क्या किसी भी किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को जोड़ने पर, आपस में अगर हम उसको एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो क्या किसी भी कंडीशन में अगर हम उसको कनेक्ट कर दें दोनों कंडक्टर्स को, तो क्या हमेशा
एनर्जी लॉस होता है या नहीं होता। इसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट जो कंडक्टर लिया था उसका पोटेंशियल ज़्यादा था सेकेंड वाले से, तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें कि यहाँ चार्ज का फ्लो हो रहा है तो सेकेंड वाले का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। तो अगर फर्स्ट में ज़्यादा है और सेकेंड वाली डिक्रीज हो गई तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगा, डिफरेंस निकलेगा वहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने ऐसे दो कंडक्टर्स लिए हैं जो पहले से ही जिनका पोटेंशियल क्या है सेम है, अगर उन दोनों को हम कनेक्ट करें तो चार्ज का फ्लो कब होता है? जब पोटेंशियल दोनों का अलग अलग हो और इक्वल करना हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले से ही दोनों कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है। अब हम इसको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो जीरो होगा, यानी चार्ज का फ्लो किसी भी पोटेंशियल से किसी भी पोटेंशियल के पास नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा या कम नहीं है, दोनों इक्वल है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे पहले थी वैसे ही अब होगी, जब हमने उन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो सिस्टम था पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। पहले चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं होगा कनेक्शन के बाद भी। पहले पोटेंशियल दोनों पर V था और अभी भी दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो इस तरह का अगर हमारे पास सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में एनर्जी लॉस कितना होगा, जीरो होगा। तो ये हमने बात कर ली एनर्जी लॉस की और यहाँ आज आपका चैप्टर फोर्थ जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।